الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين अब मुकम्मल यकसुई के साथ बिल्कुल तवज्जो के साथ क्लास के आदाब को पूरी तरह से मलहूज़े खातिर रखते हुए पूरी यकसुई के साथ दिल जमई के साथ जितना हिस्सा सुनने वाला है उसको समाप्त फरमाएं और जब लिखवाना होगा वो फिर मैं आपको इंशाअल्लाह लिखूं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला फखरे कुरान कोर्स दूसरी क्लास है, दूसरी मिशत है। आज हम इंशाअल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद का तआरुफ सुनेंगे। कुरान क्या है, कुरान किसको कहते हैं, कुरान का माना क्या है, किसी भी चीज का तआरुफ करवाने के लिए पहले उसकी मारफत जरूरी होती है, उसके मुतालिक जानना पहले जरूरी है, फिर ही बंदा तआरुफ करवा सकता है। जब तक किसी चीज की मारफत ना हो उस चीज का कमा हक्कुहु तआरुफ नहीं करवाया जा सकता। हमने आज कुरान मजीद फुरकान हमीद का तआरुफ इंशाअल्लाह तबारक व ताला करवाना है। तो कुरान किसे कहते हैं, तो इसके लिए मैंने जिन आयात का इंतखाब किया है तआरुफ करवाने के लिए वो कुरान की आयात है, क्योंकि जैसा कुरान का तआरुफ खुद कुरान करवाएगा, जिसका कलाम है वो रब खुद जब तारुफ करवाएगा तो वो किस कदर अथेंटिक होगा, कितना जबरदस्त वो तारुफ होगा और वही सही कमा हक्कुहु तारुफ होगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद से 15 तारुफ, वैसे तो गौर व फिक्र किया जाए तो बहुत सारी और जिहाद से भी कुरान का तआरुफ हो सकता है, लेकिन मैं 15 तआरुफ कुरान मजीद के कुरान मजीद की आयात से पेश करूंगा। इख्तिसार के पेश नजर चंद आयात मैं आपको लिखवाऊंगा, इस पर बकिया भी आयात और भी आयात हो सकती हैं, वो इंशाअल्लाह ग्रुप के अंदर वो मेंशन कर दी जाएंगी कि फलां नंबर तारुफ के तहत ये आयत भी आ सकती है। इसका फायदा ये होगा कि जैसे कुरान मजीद के तारुफ में हम कहेंगे कुरान मजीद फुरकान हमीद शिफा है, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कुरान का जो तारुफ करवाया है वो शिफा से करवाया। एक आयत में आपको लिखवा दूंगा बकिया और कहां कहां कुरान मजीद को शिफा कहा गया है वो इंशाअल्लाह ग्रुप के अंदर बता दिया जाएगा। तो यूं बहुत सारा जखीरा आपके पास जमा हो जाएगा और कुरान को कुरान से समझने की इंशाअल्लाह अहलियत में मजीद इजाफा होता चला जाएगा। सबसे पहले तो लफ्ज़े कुरान पर गौर कर लेते हैं कि कुरान के माना क्या है। उलमाए लुगत जिन्होंने अरबी लुगत को वजा किया, अरबी लुगत को जिन उलमा ने लिखा है वो बयान करते हैं कि कारा यकराउ से ये लफ्ज बना है कुरान, जिसके माना है पढ़ना।
क्या माना है जी? पढ़ना। फिर अरबी का ये भी कायदा है कि बाद मस्दर मफ़ऊल के माना में इस्तेमाल कर लिया जाता है। यहाँ जो तलबाए उलूमे दीनिया बैठे हैं वो मेरी बात को बखूबी समझ रहे होंगे। मस्दर को मफ़ऊल के माना में इस्तेमाल कर लिया जाता है। वैसे इसके माना है पढ़ना, तो जब कुरान कहेंगे तो माना होगा पढ़ी जाने वाली किताब। क्या माना होगा? पढ़ी जाने वाली किताब। ये है कुरान का माना। हमारे उर्फ में कुरान मजीद फुरकान हमीद का यही नाम लिया जाता है कुरान, और उससे मुराद क्या है? पढ़ी जाने वाली किताब। लुगत के एतबार से लुगवी माने को अगर पेश नजर रखा जाए तो कोई भी किताब जो बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है उसको कुरान कहा जा सकता है, उसको कुरान है। क्योंकि लुगवी माना उसके अंदर भी पाया जा रहा है। जैसे हिंदुओं के शास्त्र हजारों सालों से पढ़े जा रहे हैं, दास कैपिटल ये किताब है सरमायाकारी के उसूलों पर मुश्तमिल, ये करोड़ों बार छपी और करोड़ों बार ही इसको पढ़ा गया है। दीवाने गालिब जब से लिखा गया है उस वक्त से अब तक ये भी लातादाद मतलब पढ़ा गया है। तो इन पर लफ्ज़े कुरान का इतलाक हो सकता है, लेकिन जिस किताब का तारुफ हम करवा रहे हैं वो सिर्फ कुरान नहीं बल्कि वो है अल कुरान। वो क्या है? अल कुरान। जिस शान के साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद माजी में पढ़ा गया, अब पढ़ा जा रहा है और रहती दुनिया तक पढ़ा जाएगा, इस शान के साथ कोई ना तो मजहबी किताब पढ़ी गई है और ना ही कोई और किताब इस शान के साथ पढ़ी गई है और ना ही पढ़ी जा सकती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा दावा हो जिस पर दलील ना हो। मतलब उठकर कोई ये कहे कि जिस चीज से बंदा मोहब्बत करता है उसके बारे में जमीनों आसमान के खिलाफ मिला सकता है, मुसलमान तो कुरान के बारे में ऐसी बात कहेंगे ही कि इस जैसी किरात किसी की नहीं हुई, इस जैसा और किसी किताब को नहीं पढ़ा गया। तो ये सिर्फ ऐसा दावा नहीं है जो कि सिर्फ हवा में कर दिया गया हो और उस पर दलील ना हो, बल्कि मैं आपको एक ये देखो पढ़ा लिखा माशरा है, मालूमात के जराए बड़े सहल हुसूल हो चुके हैं, उनको बड़ा आसानी के साथ परखा जा सकता है। इस बात को समझने के लिए रूए जमीन के अगर हम नक्शे को निकाल कर सामने रख लें, दुनिया का जो नक्शा है जमीन का उसको निकाल कर सामने रख लें, तो हमारे सामने जो इंतहाए मशरिक में इलाका है वो इलाका है फिजी। कौन सा इलाका है? फिजी। जहां पर तकरीबन कोई 2-2.5 लाख के करीब मुसलमान पाए जाते हैं। फिजी इलाका है जिस जहां पर 2-2.5 लाख के करीब मुसलमान पाए जाते हैं, और इस इलाके के करीब से इंटरनेशनल डेट लाइन भी गुजरती है। आज जैसे 22 फरवरी है, 22 फरवरी 22 नवंबर 2024, तो आज की तारीख सबसे पहले फिजी में आई, इससे पहले और कहीं भी नहीं आई। इस इलाके के करीब से इंटरनेशनल डेडलाइन गुजरती है, सबसे पहले आज की तारीख फिजी में आई। अब वहां पर मुसलमान रहते हैं, मुसलमान वहां पर नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। जैसे ही वहां पर फजर का वक्त हुआ मुसलमानों ने अजान देना शुरू की,
नमाज पढ़ी, नमाज के अंदर कुरान की तिलावत, फिर नमाज के बाद भी मामूल है मुसलमानों का कि वो कुरान पढ़ते हैं, ये तो मर्द है। फिर घरों के अंदर खवातीन ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, वहां पर मदरसे हैं, दारुल उलूम हैं, जहां पर तलबा आकर कुरान पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो यूं कुरान मजीद पढ़ने का सिलसिला वहां से शुरू हुआ। फिजी में जब फजर का वक्त खत्म होता है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर फजर का वक्त शुरू हो जाता है, अब वहां भी लाखों की तादाद में मुसलमान पाए जाते हैं। अब उन्होंने क्या किया, फजर की अजान से ही नमाज, नमाज के अंदर कुरान की तिलावत, उसके बाद कुरान की तिलावत ये मसाजिद के अंदर, फिर घरों के अंदर, फिर जो इंस्टीट्यूट हैं, दारुल उलूम है, वहां पर कुरान की तिलावत शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया में जब फजर का वक्त खत्म हुआ तो इंडोनेशिया के अंदर फजर का वक्त शुरू हो जाता है, वहां करोड़ों की तादाद में मुसलमान पाए जाते हैं। अब वहां पर मुसलमानों ने कुरान की तिलावत शुरू की। जब इंडोनेशिया में वक्त खत्म हुआ तो मलेशिया में वक्त शुरू हो गया, वहां पर मुसलमानों ने किरात कुरान शुरू कर दी, नमाजों के अंदर किरात, घरों के अंदर किरात, और ये कुरान मजीद की तिलावत का सिलसिला शुरू हुआ। मलेशिया में जब वक्त खत्म होता है, फजर का वक्त खत्म हो जाए, तो उस वक्त बांग्लादेश में फजर का वक्त शुरू हो जाता है, अब वहां पर भी मुसलमान पाए जाते हैं। इसके बाद फिर भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर फजर का वक्त दाखिल होता है, वहां पर करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं और उन्होंने नमाज में तिलावत कुरान की, घरों के अंदर तिलावत कुरान हुई, मदारिस के अंदर तिलावत का सिलसिला शुरू हुआ। जब हम पाकिस्तान में फजर की नमाज पढ़ रहे होते हैं, यहां भी मुसलमानों की तादाद करोड़ों में है और तिलावत करने वालों का, नमाज पढ़ने वालों का तनासुब और मुल्कों से जरा ज्यादा है, तो यहां किस कसरत के साथ तिलावत होती है, अगरचे देखा जाए तो बहुत कम है, मुसलमानों को देखा जाए उनकी तादाद को उस एतबार से बहुत कम है, लेकिन फिर भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद तिलावत कुरान में मशगूल हो जाती है। यहां पर हजारों की तादाद में मदारिस हैं, तो अलग सुबह ही तिलावत कुरान का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब हम यहां पर फजर की नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उधर फिजी में जोहर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। अब वो जो फजर में सिलसिला शुरू हुआ था, अब वहां से फिर जोहर में भी वही सिलसिला शुरू हो जाता है। और जब मिस्र के मुसलमान फजर की नमाज पढ़ रहे होते हैं तो फिजी के अंदर मुसलमान असर की नमाज पढ़ रहे होते हैं। इसी तरह लीबिया और अल जजायर के मुसलमान जब फजर पढ़ते हैं तो उस वक्त फिजी के मुसलमान मगरिब की नमाज पढ़ रहे होते हैं, और जब मराकिश के मुसलमान फजर की नमाज पढ़ रहे हों तो उस वक्त फिजी के मुसलमान ईशा की नमाज पढ़ते हैं, और दरमियान में बाकी चार नमाजों के औकात जो है वो दर्जा बदर्जा आते रहते हैं। इस तरह तिलावत कुरान मजीद के पढ़ने का जो ये नूरानी सिलसिला है, ये एक नूर के हाले की तरह दुनिया की इस खित्ते पर हर वक्त ये कुरान की तिलावत का सिलसिला जारी रहता है। एक सेकंड के लिए भी कुरान मजीद पढ़ना मौकूफ नहीं होता, ये तसलसल नहीं टूटता, किसी किस्म का इनकता नहीं आता, और कुरान मजीद 24 घंटे पढ़ने वालों की तादाद जारी रहती है, बराबर रहती है, और कुरान मजीद इस शान से पढ़ा जाता है। अब बताइए क्या और कोई किताब है जो इस शान से पढ़ी जाती हो? तो इसलिए कि हम कहते हैं कि ये कुरान सिर्फ कुरान नहीं बल्कि अल कुरान है, और इसको इस अंदाज से पढ़ा जाता है जिस अंदाज से दुनिया की और कोई किताब भी नहीं, और कोई किताब भी इस तरह नहीं। तो ये कुरान की शान है,
ये कुरान के उमूमी तारुफ में कुछ इब्तदाई बातें थी। अब आइए कुरान मजीद कहते किसको है। आमतौर पर जब कहा जाए कुरान क्या है, ये करेंगे कि जाएंगे मस्जिद में या घर से उठा कर कहेंगे तो ये कुरान है, ऐसे ही है ना, ये कहेंगे ना आवाम तो ये कहेंगे ये कुरान है। तो अगर ये सामने ना हो, ये जो दो गत्तों के दरमियान छपा हुआ सहीफे की सूरत में ये जो मुसहफ शरीफ है ये ना हो, तो फिर हमने कुरान की तारीफ किस तरह करनी है, इसको आपने लिखना है और लिखकर इसको जबानी याद भी करना है। ठीक है, पहले सुन लीजिए कुरान किसको कहते हैं। अल मुनज़्ज़लु अलर रसूली अल मक्तूबु फिल मसाहिफी अल मनकूलु इलैना नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहते। ये कुरान की वो तारीफ है जिस पर तमाम अहले इल्म का इत्तेफाक है, सारे अहले इल्म इस पर मुत्तफिक हैं। अगरचे बाज़ उलमा ने कुछ और अल्फाज के साथ इससे लंबी तारीफ भी की है और चीजों को शामिल किया है, वो भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये तारीफ ऐसी है कि जिस पर तमाम अहले इल्म का इत्तेफाक है। अल मुनज़्ज़लु अलर रसूली अल मक्तूबु फिल मसाहिफ अल मनकूलु इलैना नकलन मुतवातिरन बिला शुबहते। मैं यहां बोर्ड पर लिखता हूं, आप उसको देखकर लिख लें, फिर इसको याद करें, फिर उसका तर्जुमा भी मैं आपको लिखे, जो लिख सकते हैं ना मतलब सुनकर लिख सकते हैं तो वो लिखिए अल मुनज़्ज़लु, जैसे अभी जानने वाले आप लिख सकते हैं, ये देखिए जी नीम के ऊपर पेश अल मुनज़्ज़लु अलर रसूली अल मुनज़्ज़लु अलर रसूली, साथ अगर दोहराते जाएंगे ना जबान से आस्ते आस्ते, इतना लिख लिया अल मुनज़्ज़लु अलर रसूली अल मक्तूबु अल मक्तूबु फिल मसाहिफ। ये देखिए फिल मसाफी फा यादर फिल मीम सौर अलिफ मसाहिफी अल मक्तूबु फिल मसाहिफी। लिख लिया, आगे लिखिए अल मनकूलु इलैना अल मनकूलु अलैना इलैना अल मनकूलु इलैना नक़लन नक़लन मुतवातिरन मुतवातिरन बिला शुबहतिन। अच्छा, अगर किसी को अगर लिखने में दुश्वारी हो तो पास बैठे जिसने सही लिखा हो उससे देख लो, आप नहीं लिख रहे। अल मुनज़्ज़लु, अच्छा मैं दोहरा रहा हूं, वहां देखते भी जाएं
और अगर आप देखते हैं कि आपका लिखा दुरुस्त अल मुनज़्ज़लु अलर रसूली अल मक्तूबु फिल मसाहिफी अल मनकूलु इलैना नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहा जी बिला शुबहातिन ता दो ज़ेर तिन ये जो गोल ता होती है ना वो वाली ता आएगी हेडिंग इसके साथ दीजिएगा कुराने पाक की तारीफ साहब फिल मसाहिफ में फिल जो है उसमें या के ऊपर जज़्म आए फिल मसाहिफ वो लाम के साथ मिलेगी फी अल मसाहिफ जैसे होता है तब ये तजवीद का कायदा है तो वो फिर क्यों लिखा ये लिख लिया जी आप अगर लिख लिया तो मैं इसको समझाऊं फिर तर्जमा इसका करूं लिख ले अच्छा ये मुझे बाजू के आवाज जो आ रही है ना फिल मसाहिबी बा नहीं है ये फा है फिल मसाहिफी अल मनकूलु इलैना नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहा पास बैठे किसी से देखे या आपके पास मौलाना बैठे हैं इनसे वो तो सवाल जब आएंगे ये लाजिम है हम देखे वो तो सवाल जब बनाएंगे वो उस वक्त की बात है याद करें कल जो है ना कल मार्कर भी मोटा ले आएंगे और व्हाइट बोर्ड भी बड़ा ले आएंगे तो बाद ही हो जाएगा इंशाल्लाह आज जरा वो लेट पहुंचे अभी वो लेकर आए तवज्जो तवज्जो फरमाएं पे शोर नहीं करें ये तो मेरी बात सुनिए अच्छा ये तो दिया ना आपको जिसने लिख लिया सही लिखा गलत लिखा उसका मसला नहीं है इंशाल्लाह इसको लिखकर ग्रुप में भेज दें ये है कि थोड़ा हमें लिखने की भी आदत पड़े ना लिखना भी आना चाहिए अब आगे इसका तर्जमा लिखिए पहले सुन लीजिए फिर लिखिए तवज्जो फरमाइएगा तवज्जो करें अल्लाह ताला का वो कलाम अब इसका तर्जुमा ये है कुरान की तारीफ ये अरबी में हमने सुन ली तर्जुमा माने इसका ये है अल्लाह ताला का वो कलाम जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ मसाहिफ में लिखा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगैर किसी शुबे के तवातुर के साथ मनकूल है अल्लाह ताला का वो कलाम अल्लाह ताला का वो कलाम जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ अल्लाह ताला का वो कलाम जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ ये मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखने के बाद साथ किसी ने नहीं लिखना ये लिखना हराम है पूरा दुरूद शरीफ लिखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना साथ डालना है ना सलाम पूरा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम ये उसका इख्तिसार है ना साथ अच्छा जी आगे लिखें मैं एक दफा फिर ये जुमला दोहरा रहा हूँ अल्लाह ताला का वो कलाम जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ मसाहिफ में लिखा गया
मसाहिफ मीम सौद अलिफ हाफा मसाहिफ में लिखा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगैर किसी शुबे के तवातुर के साथ मंजूर है। तवातुर के साथ मंजूर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगैर किसी शुबा के तवातुर के साथ मंकूल है। तवातुर के साथ मंकूल है। उम्मीद है सबने लिख लिया होगा। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ तर्जमे को, आपने जो लिखा है। अच्छा, जब लिख रहे हो तो जुबान के चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब लिखे तो कलम चले जुबान में, ठीक है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, आप अपने अपने तर्जमे पर नजर कर लें। अल्लाह ताला का वो कलाम जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, मसाहिफ में लिखा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगैर किसी शुबा के तवातुर के साथ मनकूल है। इलैना, आप वो सवाल ना करें जिसका ताल्लुक नहीं बनता। आपने बाद में लिखवाया ना। नहीं, इबारत ये तहत लफ्ज तर्जमा नहीं होता। तर्जमा जो होता है, आप इसको भी तर्जमे के जो उसूल है ना, उनमें ये भी है कि जब तर्जमा करवाया जाता है तो वो बा मुहावरा होता है। सबसे पहले आपने एक हेडिंग देनी है, जो मैं आपको हेडिंग बताऊं वो हेडिंग देकर उसके बाद मैं आपको सूरज का नाम और आयत का नंबर बता दूंगा। सिर्फ आप उतना लिख लें और हेडिंग जो तारुफ का नाम होगा बता दूंगा। पहले समझ लें, इस बात को समझ लीजिए। मिसाल के तौर पर सबसे पहला जो तारुफ है वो है कि कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाजिल करता कलाम है। कुरान मजीद का एक तारुफ ये है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का नाजिल करता कलाम है। अब इस पर कुरान मजीद की कौन कौन सी आयात हैं, मैं आपको सूरत का नंबर बताऊंगा, सूरत का नाम और आयत का नंबर वो आप नोट कर लेंगे और उसको कुरान मजीद से आप खुद तलाश करेंगे, ठीक है। अपनी जो आप अपने पास डायरी बनाए उसमें आयत को आप तलाश कर लें, क्योंकि एक घंटे की क्लास में हर आयत, यहाँ देखे तारीफ लिखवाई है उस पर इतना वक्त लग गया है, तो आयत आप खुद तलाश करें। आयत में बता दूंगा, यहां मैं वो पढ़कर उसका तर्जमा कर दूंगा, बाकी आप उसको या हम ग्रुप के अंदर ये भेज देंगे। अब आप देखिए ये हेडिंग एक दे लें कुरान मजीद का। मैंने कहा ना कि 15 एतबारात से मैं आपको तारुफ करवाऊंगा। पहला तारुफ हेडिंग दे लीजिए, पहला तारुफ कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला का नाजिल करता कलाम है। कुरान मजीद अल्लाह ताला का नाजिल करता कलाम है। अब इस पर दलील क्या है, कहां कुरान ने ये बात कही है, तो सूरह बकरा आयत नंबर 91, सूरह बकरा की आयत नंबर 91, ये साथ आप लिख लीजिए,
सूरह बकरा आयत नंबर 91 अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वाइदा कील लहुम आमिनु बिमा अंजलल्लाहु कालू नुमिनु बिमा अंजला अलैना व यकफुरून बिमा वराअ वहुवल हक मुसद्दिकन लिमा माअहुम कुल फलिमा तक्तुलून अंबिया अल्लाह मिन कब्ल इन कुंतुम मुमिनीन। जितनी बात है यहाँ पर हमारे मुद्दा के मुताबिक वो ये है बिमा अंजला अलैना व यकफुरून बिमा वराअ, पीछे फरमाया और जब इनसे कहा जाए कि इस पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, नहीं आप सिर्फ हेडिंग लिख लें, खुद ही कुरान मजीद से खुद आप इस्तेफादा करके खुद तलाश करें, कुछ सलाहियतें आप भी अपनी इंशाल्लाह इससे कुरान पर देखिए आगे चल के कुछ काम करने का मौका मिलेगा ना, सिर्फ आयत नहीं पढ़ इस बहाने हाफिजा फरमाने हैं कुरान मजीद खोल कर देखेंगे बरकतें हासिल होगी। तो लिख लिया जी, दूसरा तारुफ कुरान मजीद के कलाम इलाही होने में शक नहीं, कुरान मजीद के कलाम इलाही होने में शक नहीं। अच्छा ये सुना भी जाएगा, कल सबक सुनना भी है, इसलिए कह रहा हूँ इसको याद भी करें। दूसरा तारुफ जी, कुरान मजीद के कलाम इलाही होने में कोई शक नहीं, शक नहीं, कोई शक नहीं, जो चाहे लिख सकते। इस पर सूरह बकरा आयत नंबर 2, सूरह बकरा आयत नंबर 2 मशहूर है, जालिकल किताब लारीबा फीह। इसी तरह सूरह यूनुस आयत नंबर 37, सूरह यूनुस आयत नंबर 37 वमा कान हादल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि, आयत करीमा है। इसी के साथ लिख ले सूरह सजदा आयत नंबर 2, इन तीनों आयत के अंदर ये मजमून मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताब नाजिल फरमाई इसमें कोई शक, सूरह सजदा 2 तीसरा तारुफ, कुरान मजीद का निगहबान खुद अल्लाह ताला है, कुरान मजीद का निगहबान हिफाजत करने वाला खुद अल्लाह तबारक व ताला है, कुरान मजीद का निगहबान, कुरान मजीद का निगहबान हिफाजत करने वाला खुद अल्लाह तबारक व ताला है। सूरह हिजर आयत नंबर 9, सूरह हिजर आयत नंबर 9 मशहूर आयत करीमा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, ठीक है। चौथा तारुफ लिख रहे हैं जी, कुरान मजीद खुद कलाम इलाही होने पर दलील, कुरान मजीद खुद कलाम इलाही होने पर, यानी कुरान खुद अल्लाह का कलाम होने पर दलील है, कुरान मजीद खुद कलाम इलाही होने पर दलील है। सूरह निसा आयत नंबर 82, सूरह निसा आयत नंबर 82, आयत नंबर 9,
जबान का चलना समझ से बाहर है, कलम चले जबान ना चले। ये जब कल मैं कल आपको बोलने के लिए कहूंगा फिर बाजू की बात वही नहीं चलेगी। लिख लिया जी? अच्छा जी, पांचवा तारुफ, पांचवा तारुफ कुरान मजीद का, कुरान मजीद लाने वाले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। कुरान मजीद को लेकर आने वाले हजरत जिब्राइल हैं। ये यहूदी एतराज करते थे ना, यहूदी कहते थे कि ये हमारा दुश्मन है फरिश्ता, इसने हमारे कौमों पर अजाब नाजिल किया। कुराने मजीद लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 97, आयत नंबर 97, आप में से जो अजीज तालिबे इल्म कल सबसे खूबसूरत अंदाज में इन सारी आयात को लिख कर लेकर आएंगे उनको इंशाल्लाह एक गिरां कदर तोहफा पेश किया जाए। खूबसूरत अंदाज में लिख कर लेकर आए, चेक करवाए, ठीक है? चाहे तो ग्रुप में भेज दें अपने नाम के साथ। तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरह कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ, बड़ी आसानी के साथ। फिलहाल लिखिए, हो गया, मुकम्मल हो गया जी? किसी की अच्छी लिखाई है उससे लिखवा कर लेकर आए, लेकिन हो आपकी उसमें काविश हो, मैं आपको बताऊंगा तरीके का, आपको तरीका बताऊंगा। देखिए हम गूगल से क्या क्या चीजें सर्च कर नहीं लेते, जिस चीज की हमें जरूरत हो सर्च कर लेते हैं, तो भाई कुरान की आयतें भी सर्च हो जाती है, कॉपी हो जाती, कॉपी पेस्ट भी हो जाती है। बस ये है, इतना सारा काम करने वालों ने कर दिया है, अब थोड़ा सा। अच्छा जी, छठा तारुफ लिख लीजिए, कुरान मजीद का छठा तारुफ। आप शोर नहीं ना अगर करेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी, जरा तवज्जो रहेगी। छठा तारुफ ये है जी, कुरान माह रमजान और शबे कदर में नाजिल हुआ। कुरान माह रमजान और शबे कदर में नाजिल हुआ। कुरान मजीद का नुज़ूल दो मर्तबा हुआ है, इस बात को साथ साथ समझते रहिए, लिखते भी रहे, समझे। एक मर्तबा पूरे कुरान का नुज़ूल हुआ था लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर, सारे का सारा कुरान एक ही बार में नाजिल हुआ, और बैतुल इज्जत ये एक मकाम है, वहां पर ये कुरान तशरीफ फरमा रहा, और फिर वहां से सैयदना जिब्रील अलैहि सलातु वस्सलाम 23 साल के अरसे में, कितने अरसे में जी? 23 साल के अरसे में। इसमें क्या हिकमत है ये आइंदा किसी लेक्चर में इसको बयान करेंगे कि कुरान यक बारगी क्यों नाजिल नहीं हुआ। 23 साल के अरसे में जिब्रील अमीन अलैहि सलातु वस्सलाम कुरान को लाते रहे, इसकी आयतें नाजिल होती रही, 23 साल के अरसे में ये नुज़ूल मुकम्मल हुआ। अच्छा जी, तारुफ पांचवा, छठा तारुफ, कुरान माह रमजान और शबे कदर में नाजिल हुआ। लिखिए सूरह बकरा आयत 185, 185 नंबर आयत है सूरह बकरा की। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फीहिल कुरान, 185। दूसरी, दूसरा लिख ले सूरह दुहान आयत नंबर 3, और तीसरी सूरह लिख ले सूरह कदर, उसके शुरू में ही है इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कदर, दुहान आयत नंबर 3, आयत नंबर 3, एक मैं दोबारा, ये छठा तारुफ है ना जी। छठे तारुफ में पहली सूरत बताइए सूरह बकरा आयत नंबर 185,
दूसरी बताई है सूरह दुहान आयत नंबर 3, तीसरी बताई है सूरह कदर, वो शुरू ही वहां से हो रही है, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कदर। आगे लिखिए सातवां तारुफ, कुरान मजीद फुरकान हमीद का सातवां तारुफ, कुरान मजीद यक बारगी नाजिल ना होने की हिकमत। कुरान मजीद यक बारगी, जैसे तौरात एक ही मर्तबा में नाजिल हुई, जबूर इंजील, उस तरह कुरान यक बारगी क्यों नाजिल नहीं हुआ, ना होने की हिकमत। कुरान मजीद यक बारगी नाजिल ना होने की हिकमत, मुस्तदल के तौर पर लिख ले सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 106, सूरह बनी इसराइल, सूरह असरा भी कहते हैं इसको, पंद्रवा पारा जहां से शुरू होता है 106, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 106। और कुरान को हमने जुदा जुदा करके नाजिल किया ताकि तुम इसे लोगों पर ठहर ठहर कर पढ़ो, और हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया। इंशाल्लाह किसी मौके पर इसके तफसीली निकात बयान करेंगे। अच्छा, सूरह बनी इसराइल आयत 106 लिख लिया, सूरह फुरकान आयत नंबर 32 इसी के साथ, सूरह फुरकान आयत नंबर 32, ये सातवां तारुफ था। आठवां तारुफ लिखिए कुरान का, कुरान मजीद अगर पहाड़ पर उतरता तो वो रेजा रेजा हो जाता। कुरान मजीद अगर पहाड़ पर उतरता, पहाड़ पर नाजिल होता तो वो रेजा रेजा हो जाता। सूरह हशर की आयत नंबर 21 है, तवंजलना हादल कुरान अला जबलिल लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, सूरह हशर आयत नंबर 21, सूरह हशर की आयत नंबर 21, अच्छा जी नवा तारुफ देखिए, कुरान मजीद का नवा तारुफ, तारुफ नंबर 9, इसमें जो है ना आपने यूं करके लिखना है कि कुरान हिदायत रहमत बिशारत और बसीरत अफरोज है। ये मैं लिख रहा हूं, ये देखें जी, लिखे पहले यूं कुरान लिखे, उसके बाद ये वक्फा डालें, कुरान हिदायत, फिर वक्फा डालें रहमत, फिर वक्फा डालें बिशारत और बसीरत अफरोज है। बसीरत अफरोज, कुरान हिदायत रहमत बिशारत और बसीरत अफरोज है। इस पर अब कौन कौन सी आयतें हैं, हिदायत के नीचे लिखिए, हिदायत को आपने देखना कि कुरान हिदायत कहां कहां है। सूरह बकरा आयत नंबर 2, कोई दालिकल किताब तू लारे बफी हुदल लिल मुत्तकी, आयत नंबर 2 सूरह बकरा आयत 185, लिख रहे हैं शाबाश शाबाश, सब सही तैयार कर रहे हैं, इसको तो हम पकड़ के छुपवा सकते हैं, इतना खूबसूरत लिख रहे हैं सागर। अच्छा जी चले जी जल्दी जल्दी, कार वक्त थोड़ा है, सूरह बकरा आयत 185,
आयत 2 में भी है, आयत 185 में भी, और सूरह आले इमरान आयत 138 जी, ये भी हिदायत के तहत, आयत 138 138 आगे रहमत के तहत लिखे दी, उसमें रहमत हिदायत दोनों आ जाए। ये अब आपने खुद तलाश करना है। मैंने कहा ना जो परफेक्ट बड़े अच्छे तरीके से तलाश कर कर ले आए इंशाल्लाह इनाम दे। अच्छा जी, सूरह आराफ, ये रहमत के नीचे लिखे, सूरह आराफ आयत नंबर 52, सूरह आराफ आयत नंबर 52 52 बिशारत के तहत लिखिए, बिशारत के तहत सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 9 रहमत का दोबारा करो, सूरह आराफ आयत नंबर 52 बिशारत का, बिशारत के तहत देखिए सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 9 और जहां लिखवाया ना बसीरत अफरोज है उसके नीचे सूरह अनआम आयत 104 104। अच्छा ये जो मैंने आपको लिखवाया है जी, कुरान बिशारत है, तवज्जो करें, तवज्जो तवज्जो, बिशारत है, बिशारत का मतलब खुशखबरी होता है। ये आयत सुनिए, कुरान की सुभान अल्लाह क्या क्या अंदाज है, देखिए इन हादल कुरान यहदी लिल्लजी हिया अक्वम व युबशिरुल मुमिनीन अल्लजीना यअमलून अस्सालिहात अन लहुम अजरन कबीरा। फरमाया बेशक ये कुरान वो राह दिखाता है जो सबसे सीधी है, बेशक कुरान वो राह दिखाता है जो सबसे सीधी है और नेक आमाल करने वाले मोमिनों को खुशखबरी देता है कि उनके लिए बहुत बड़ा सवाब है। नेक आमाल करने वाले मोमिनों को कुरान खुशखबरी देता है कि उनके लिए बहुत बड़ा सवाब है। इतना बड़ा सवाब है ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल पर उसका ख्याल गुजरा। ऐसी ऐसी आगे 9 तारुफ हो गए, 10वां तारुफ। अच्छा जिसके पास शोर हो प्यार के साथ उनको चुप भी करवा दे। दसवां तारुफ जी, कुरान मजीद एक मुफस्सल किताब है, ये हेडिंग के तौर पे लिखे कुरान मजीद एक मुफस्सल किताब है, बड़ी तफसील है इसमें, मुफस्सल किताब है। सूरह अनआम आयत नंबर 114 सूरह अनआम आयत 114 और सूरह आराफ आयत 52 सूरह अनआम की आयत 114 और सूरह आराफ की आयत नंबर 52 आगे जी 11वां तारुफ, 11वां तारुफ कुरान मजीद में हर चीज का बयान है। कुरान मजीद में यहां से इल्मे गैब को भी समझ लेंगे, जब कुरान में हर चीज का बयान है और वो सारा कुरान सीनाए महबूब में है। अल्लाह हजरत कहते हैं ना उन पर किताब उतरी बयानल लिकुल शय, उन पर किताब उतरी बयानल लिकुल शय, तफसीर जिसमें मां अबरू मां गबर की। सुभान अल्लाह, ये लिखिए जरा इस पर, मैं अहले इल्म जो बैठे हैं अल्लाह हजरत की किताब है इम्बाउल हई, उसको पढ़े 14 तबक रोशन हो जाए। इम्बाउल हई आला हजरत, असल अरबी के साथ पढ़ेंगे तो
मदीना मदीना, ऐसे तर्जमा भी मिल जाता है। अच्छा एक उधर लौट आए कि मैं आयत का तर्जमा लिखूं। कुरान मजीद में हर चीज का बयान है, ये 11वां तारुफ है जी, 11वां। कुरान मजीद में हर चीज का बयान है, कुरान मजीद में हर चीज का बयान, हर चीज का बयान है। सूरह अनआम की आयत नंबर 38, सूरह अनआम की आयत नंबर है 38, और सूरह नहल की आयत नंबर है 89, 89। ये 89 और 89 का फर्क भी जो है ना, ये बड़ा एक मुहम्मा है जमदी राजा साहब। 89 का फर्क आजकल की पौत को जो है ना, 89, 89 सूरह नहल की आयत नंबर 89। अच्छा जी, 12वां तारुफ, 12वां तारुफ लिखिए जी, 12वां तारुफ। कुरान मजीद एक नसीहत वाली किताब, कुरान मजीद एक नसीहत वाली किताब, किताब कुरान मजीद एक नसीहत वाली किताब। सूरह बकरा आयत नंबर 231, अब जरा जल्दी जल्दी लिखे ना, मैं नहीं चाहता आपके दो मिनट भी ऊपर जाए। सूरह बकरा आयत 231, सूरह आले इमरान आयत 58 और सूरह आले इमरान ही की आयत नंबर 138। अमल को सूरह अंबिया की आयत
قرآن مجید باعث شفا ہے. قرآن مجید باعث شفا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 57 57 سورہ یونس آیت نمبر 57. اب یہ شفا کس چیز سے ہے؟ تفسیر جلالین میں اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے نا, وہ شفا کسے کہتے ہیں؟ من العقائد الفاسدۃ والشکوک, برے عقیدوں سے شفا ہے, شکوک و شبہات سے شفا ہے, برے اخلاق سے شفا ہے. اور صرف یہ شفا نہیں ہے, جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے. اسی لیے تو سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الرقیہ ہے, دم والی سورت. سورہ یونس کی آیت نمبر 57 لکھ لیا جناب. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 بھی جو ہے وہ اسی کے تحت آتی ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت 82. لیکن 15 اور آج کی نشست کا آخری تھا یہ لکھ لیا 14 تک, 15 تعارف لکھے. قرآن مجید کی اثر آفرینی, قرآن مجید کی اثر آفرینی, اصل سر سر الف اثر ہے 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 تین نقطہ والا لکھ لیا جی. میں اثر آفرینی لکھ دیتا ہوں جی. دیکھیے قرآن مجید کی اثر آفرینی, یہ دیکھیے, یہ تین نقطے ڈالنے ہیں. قرآن مجید کی اثر آفرینی مطلب اس کا یہ ہے بھائی, قرآن مجید میں کتنا اثر ہے, قرآن مجید میں کتنا اثر ہے, اس کو سننے والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. وہ واقعہ یاد کریں نا, جب نبی پاک کے پاس صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے, حضرت جعفر تیار نے سورہ مریم اور سورہ طہٰ کی کچھ آیتیں پڑھی تھی نجاشی کے دربار میں. نجاشی اس وقت عیسائی تھا, بعد میں مان لیا ہے صاحب, وہ عیسائی تھا نجاشی. وہ تلاوت سن کر نجاشی بادشاہ رونے لگا. یہ اثر آفرینی ہے نا, جنوں نے جب نبی پاک سے یہ کلام سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ کلام سنا ہے جو بڑا تعجب والا کلام ہے, اور وہ جن مسلمان ہو گئے. یہاں میں رک کر ایک بات کہتا ہوں, جس پر قرآن کا بھی اثر نہیں نہ ہوتا وہ اپنے دل پہ غور کرے. قرآن کی اثر آفرینی مسلم ہے. قرآن کہتا ہے, اس پر اب لکھ لے, سورہ انفال آیت نمبر 2, سورہ انفال آیت نمبر 2, مضمون کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. ایمان والے وہی ہیں, ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جب عذاب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو قرآن کہتا ہے ان کے لوں لوں کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک میں ایک روایت کے مطابق 17 بال سفید تھے, ایک روایت میں 14 بال سفید تھے, ایک روایت میں 10 بال سفید تھے. وہ سفید بال کیسے ہوئے تھے؟ اس کی وجہ شمائل محمدیہ کے اندر امام ترمذی حدیث لے کر آئے. نبی پاک نے فرمایا کہ سورہ رعد
के बाद सरकार फरमाते हैं कि मेरे बाल सफेद हो गए, क्यों? उसमें है क्या? उसमें अल्लाह तबारक व तआला के अजाब के तज़किरे हैं। तो ये कुरान की असर आफरीनी है, उस हवाले से ये तारुफ। सूरह अनफाल आपने लिख ली, दूसरी लिख ली सूरह ज़ुमर आयत नंबर 23, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 23। अच्छा, ये तो मैंने देखे आपको आयतें लिखवा दी, इतना वक्त नहीं कि मैं इनको पढ़। अब आप खुद इनको पढ़िएगा, तरीकेकार क्या हो। कुरान पाक आपके पास घरों में होगा, कंजुल ईमान किस किस के पास नहीं है पहले उनसे तो पूछे ना, अगर आपके घर में है तर्जमे वाला कुरान है ना, कंजुल ईमान। अच्छा, ये आयतें आप जाकर तलाश करें, हर सूरत की जो जो लिखवाई है उससे फिर तर्जमा भी पढ़ें, इस पर काम कर लेकर आएं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो सबसे अच्छा काम करके लेकर आएगा उसको इनाम। नंबर 23, हमारा सबक इख्तिताम को पहुंचा। कोई सवाल हो तो वो कर लें, या कुछ पूछना है किसी क्लास के मुताबिक, सबक के मुताबिक तो आप पूछ सकते हैं। कल ये जो तारुफ बयान है, इनकी तफसील बयान है, उनके पास यही है। ये तर्जुमा सिर्फ पढ़ लेंगे, बात समझ में आ रही है क्या लिखवा रहे हैं। ये है भी नहीं चाहिए, ये वो कायम की है। अच्छा, खामोशी है यार, बिल्कुल खामोशी। जो आपने ये लिखवाया ये कल सुना भी जाए, सुना जाए, चंद एक से सुना जाए, सारे याद करके आइएगा। ये सवाल मतलब कई तरह से हो, आप याद करेंगे ना तो सवाल जैसे भी किया जाए, जिसको याद होगा वो बयान कर। अरबी आयत भी सुनी जा सकती है, सिर्फ तर्जमा भी। अच्छा, इससे घबराना भी नहीं होगी, सुना जाएगा तो कुछ तसलील होगी। भाई कोई तसलील नहीं, आप हजरात देखिए, आप हजरात जितने बैठे सभी पढ़ के आया है ना, कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ के आया है,